नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार दलितां, होर पछड़ियां श्रेणियां अते आदिवासियां नूं मौजूदा NDA सरकार वल्लों दित्ता जा रहा है बणदा सन्मान। मध्य प्रदेश के सागर च श्री गुरु रविदास मंदिर का नींह पत्थर रख्या। देश भगती की भावना नूं हल्लाशेरी देने लई हर घर तिरंगा अभियान अज तो 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महाउत्सव के तहत तिरंगा लहराउण दा सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद का समा बर्बाद करन ते पेश कीते बिलां ते चर्चा तो बचण लई कांग्रेस की कीती आलोचना। भारत चौथी बार हाकी च एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का जेतू बनिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुकाबले दौरान मैदान च हाजिर रह के भारतीय टीम का हौसला बधाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिताब जितने लई भारतीय टीम की कीती शलाघा। भारत अते वैस्टइंडीज़ विचाले मौजूदा T20 कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का 5वां अते फैसलाकुन मैच अज। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दलितां, पछड़ियां श्रेणियां ते आदिवासियां नूं मौजूदा NDA सरकार वल्लों बणदा सन्मान दिता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने इन्हां वर्गां नूं नज़रअंदाज कीता अते वोटां समें ही उन्हां नूं याद करदे सन। प्रधानमंत्री ने यह भी दोष लाया कि पिछलियां सरकारां गरीबां नूं पाणी तक मुहैया करवाउण विच नाकाम रहियां ने। उन्हां कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार दे यतनां सदका हुण दलित बस्तियां, पछड़े अते आदिवासी इलाकों नूं जल जीवन मिशन तहत पाइपां राही पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले च पैंदे बड़तुमा विखे बनाए जा रहे श्री गुरु रविदास मंदिर अते स्मारक ते भूमि पूजन तो बाद एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा कि श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद नाल ही मंदिर अते स्मारक के भूमि पूजन का उन्हां नूं मौका मिलिआ है। अगले 1 तों 1.5 साल विच इह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा अते उसका उद्घाटन करन लई उह खुद आउणगे। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। देशवासियों विच देशभगती की भावना नूं वधाउण लई हर घर तिरंगा अभियान अज तों शुरू हो गया है। केंद्रीय सभ्याचारक मंत्रालय ने देशवासियों नूं तिरंगे दे नाल अपनी सैल्फी अपलोड करके इस मुहिम विच हिस्सा लैण दा सद्दा दिता है। मंत्रालय दे इक बुलारे ने नवीं दिल्ली च दस्सिया कि 13 तों 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महाउत्सव के तहत हर घर विच तिरंगा लहराउण दा जशन मनाया जा रहा है। इस पहलकदमी के हिस्से वजों डाक विभाग उच्च गुणवत्ता वाले कौमी झंडे लोगों नूं उपलब्ध करवाउण लई एक जिम्मेवार मनोनीत संस्था वजों काम कर रहा है। डाक विभाग ने इस साल 2.5 करोड़ झंडिया की मंग रखी है अते 55 लाख झंडे पहला ही डाकघर राही भेजे जा चुके ने। बुलारे ने दस्या कि कपड़ा मंत्रालय पहला ही राज्यों 1.3 करोड़ झंडे उपलब्ध करवा चुका है। सूबिया अते केंद्र शासित प्रदेशों विच स्वय सहायता समूहों वल्लों भी करोड़ों झंडे बनाए जा रहे हैं जिहड़े झंडे बनाउण विच आत्म निर्भरता के रुझान दर्शाउंदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी दिहाड़े मौके लोगों नूं घरां, दुकानां अते दफ्तरां च तिरंगा लहराउण दी अपील कीती है। मन की बात प्रोग्राम दी ताज़ा कड़ी विच प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा दी परंपरा नूं जारी रखण दा सद्दा दित्ता सी। इस मुहिम नूं पिछले साल बहुत सफलता अते जनतक भागीदारी मिली सी। तिब्बती अध्यात्मिक आगू दलाई लामा ने एक खुशहाल अते शांतिपूर्ण दुनिया की उसारी लई यतन करन दा सद्दा दित्ता है। उन्हां इस गल ते जोर दिंदिया कहा कि परंपरावां, धर्मां अते खेतरां विच मतभेद नहीं होने चाहीदे ने।
लद्दाख विच उन्होंने उन्होंने सन्मान विच इमाम बरगा चोट जोकमा विखे लद्दाख मुसलमान तालमेल कमेटी वालों करवाए गए एक समागम दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि सारे मनुख बराबर ने क्यों जो असी सारे अपनी प्यारी मां दे प्यार करुणा निघ अते सुनेहे राहीं पल के वड्डे हुंदे हां। दलाई लामा ने सारिआं नूं केंद्र शासित प्रदेश विच मौजूदा धार्मिक सद्भावना नूं होर मजबूत करन दी अपील कीती। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद दा समा बर्बाद करन अते पेश कीते बिलां ते चर्चा तों बचण लई कांग्रेस की आलोचना की है। चेन्नई विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं ठाकुर ने कांग्रेस के दोहरे मापदंडां ते सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन च पेश कीते गए बिलां ते चर्चा तों दूर रही पर सियासी फायदे लई दिल्ली सेवावां बिल च हिस्सा लिया। मणिपुर बारे उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा नूं रोकण लई चार दिनां लई सूबे का दौरा किया अते हिंसा विच शामिल लोगों विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा दिता। केंद्रीय खेड अते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2036 ओलंपिक खेडां की मेज़बानी करन दी भारत की इच्छा नूं उजागर किया। उन्होंने देश के कई हिस्सों विच विश्व पद्धरी बुनियादी ढांचे विच मोदी सरकार वल्लों कीती जा रही पूंजीकारी की शलाघा की। ठाकुर ने कहा कि सरकार वल्लों इस वित्ती वरे विच खेडां दे विकास लई सब तों वध रकम अलाट कीतियां गईआं ने। खेड मंत्री ने चीन विच होईआं विश्व यूनिवर्सिटी खेडां विच 26 तमगे जित के भारत के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने थॉमस कप का खिताब जित के इतिहास रचण वाले भारतीय खिडारियों के प्रदर्शन की भी शलाघा की। पंजाब सरकार वल्लों बिरधघर मानसा अते बरनाला दी उसारी लई चालू माली साल 2023-24 लई 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसका प्रगटावा समाजिक सुरक्षा इसत्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने किया। कैबिनेट मंत्री ने दस्या कि ओल्ड एज होम की स्कीम समाजिक सुरक्षा इसत्री ते बाल विकास विभाग वल्लों चलाई जा रही है। भारत ने 2 गोल नाल पछड़न तो बाद शानदार वापसी करदिया मलेशिया नूं 3 दे मुकाबले 4 गोलों के फर्क नाल हरा के रिकॉर्ड 4थी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हाकी मुकाबले का खिताब जितया है। चेन्नई च खेडे गए फाइनल मुकाबले च भारत तीजे क्वार्टर के आखिरी मिनट तक 1 दे मुकाबले 3 गोलों नाल पिछे चल रहा सी पर इस तों बाद उसने आखिरी 16 मिनट च मैच का पासा ही पलट के रख दिता। भारतीय टीम ने पहला 30 सकेंट अंदर 2 गोल किए अते मगरों आखिरी क्वार्टर विच फैसलाकुन लीड हासिल की। भारत की यह 4थी खिताबी जित है। उसने 3 वार खिताब जित चुकी पाकिस्तान नूं पिछे छड़ दिता है। भारत ने इस तो पहला 2011 2016 2018 विच यह खिताब जितया सी। भारत की 4थी खिताबी जित च जुगराज सिंह कप्तान हरमनप्रीत सिंह गुरजंट सिंह आकाशदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। इस मुकाबले च भारतीय टीम कोई भी मैच नहीं हारी। टूरनामेंट दौरान भारत ने 7 मैच खेडे और सब तो वध 29 गोल दागे। टीम ने इस दौरान सिर्फ 8 गोल ही खादे। केंद्रीय खेड अते युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने लई मैदान च हाजिर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुकाबला जितने लई भारतीय मर्दां दी हाकी टीम की शलाघा की है। एक सुनेहे च उन्होंने कहा कि यह जित खिडारियों के समर्पण चंगी सिखलाई और मजबूत इरादे नूं दर्शाउंदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम के शलाघायोग प्रदर्शन ने पूरे देश विच गौरव की भावना नूं जगाया है। उन्होंने खिडारियों नूं भविख के मुकाबलों लई भी शुभकामनावां दित्तियां ने। इस तो पहला खेडे गए एक मैच विच जापान ने दक्षण कोरिया नूं 3 दे मुकाबले 5 गोलों के फर्क नाल हरा के तीजा स्थान हासिल किया। भारत अते वैसट इंडीज़ दीआं टीमां विचाले खेडी जा रही मौजूदा T20 कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का 5वां अते फैसलाकुन मैच अज रात 8 बजे तो फ्लोरिडा विच खेडिया जाएगा। इस वेले दोवें टीमां 2-2 की बराबरी ते ने। आखिरी मैच विच जित दर्ज करन वाली टीम ना सिर्फ मैच जितेगी सगरों ओ लड़ी ते वी काबज़ होवेगी। कल खेडे गए 4थे मैच दौरान भारत ने वैसट इंडीज़ नूं 9 विकटां दे वड्डे फर्क नाल हराया। पहला खेडदिआं वैसट इंडीज़ दी टीम ने मिथे 20 ओवरां च 8 विकटां दे नुकसान ते 178 दौड़ां बनाईआं। भारत ने ए टीचा 17 ओवरां च 1 विकट दे नुकसान ते 179 दौड़ां बना के हासिल कर लिया। भारत दी इस जित विच यशस्वी जायसवाल ने अजेतू 84 अते शुभमन गिल ने 77 दौड़ां दा योगदान दिता। इस जोड़ी ने पहली विकट लई रिकॉर्ड 165 दौड़ां दी साझेदारी भी कीती। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबर एक बार फिर तो
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ NDA ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹਾਕੀ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।